हम अभी पहुंच चुके हैं बिहार राज्य के गया जिले में स्थित बोधगया। और ये जो नदी दिख रही है ये निरंजना नदी, और ये जो ब्रिज दिख रहा है वो निरंजना ब्रिज है। इस ब्रिज के उस पार सुजाता गढ़ है, जिसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि कौन थी सुजाता और भगवान बुद्ध के साथ इनका नाम कैसे जुड़ा। बोधगया है जो गया जंक्शन से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जो सुजाता गढ़ है वो महाबोधि मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से मात्र 350 मीटर की दूरी पे है। सुजाता गढ़ है जो सेनानी ग्राम, जिसे अब बकरौर के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। यही है सुजाता गढ़, ये जो सामने दिख रहा है, और यहीं से कुछ ही दूरी पे इसमें प्रवेश द्वार बनाया गया है। और ये रहा सामने प्रवेश द्वार। प्रवेश करते ही सामने आपको बोर्ड पे यहाँ के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ के बारे में जानते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला था, जिसके नीचे स्तूप था। यह स्तूप सुजाता नामक उस स्त्री के लिए निर्मित किया गया था, जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को पायस या खीर का भोग कराए थे। इसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त 8वीं-9वीं शताब्दी यानी कि 800 से 900 ईस्वी के एक अभिलेख से होती है, जिसमें देवपाल राजत से सुजाता ग्रह अंकित है, जिसका अर्थ होता है राजा देवपाल का सुजाता घर। देवपाल हैं जो पाल वंश के शासक थे। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है। वर्ष 1973-74 तथा 2001 और 2006 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए उत्खनन से यह वृत्ताकार उद्भेदी स्तूप का अनावृत हुआ, यानी कि इसके बारे में पता चला उसी समय, जिसका निर्माण गुप्त काल से पाल युग के मध्य 3 चरणों में किया गया था। ये जो सामने दिख रहा है वो पूरा वृत्ताकार है, और पूरा का पूरा ईंटों से ही निर्मित किया गया है। इसका प्रदक्षिणा पथ काष्ठ वेदिका से यानी कि लकड़ी से घिरा हुआ था। मूल स्वरूप में पूरी संरचना पर चूना और प्लास्टर का लेप लगा हुआ था। उत्खनन से प्राप्त कुछ पूरा सामग्री में एक अशोक स्तंभ, 150 किलो का भगवान बुद्ध की एक खंडित मूर्ति, और 1 फीट का भगवान विष्णु के काला पत्थर का मूर्ति भी मिला है। खुदाई में प्राप्त अभिलेख व प्रतिमा पाल वंशकालीन प्रतीत होते हैं, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित बोधगया संग्रहालय में रखवाया गया है। इसके बाद बोधगया संग्रहालय के भी बारे में डिटेल से जानेंगे। यह पूरी संरचना ईंटों से निर्मित है, और इसका ईंटा भी आजकल की ईंटों से बहुत अलग है। मोटाई भी कम है और चौड़ाई अभी की ईंटों से बहुत ज़्यादा है। एकदम नज़दीक से देखते हैं, बारीकी से इन ईंटों को देखिए, चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन पतला है, और पूरी संरचना ईंटों से ही निर्मित है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता है तो उसे इस अपकृत यानी कि क्षति पहुँचाने के लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 2010 के तहत 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे वो मंदिर स्थित है, जहाँ सुजाता भगवान बुद्ध को खीर खिलाते हुए दिखाए गए हैं। चलते हैं अब उस मंदिर की ओर। सबसे पहले वहाँ दिखेगा मतंग वापी बेदी सरोवर, ये रहा, और यहीं पे मतंग वापी मंदिर भी है, जहाँ भगवान शिव, सूर्यदेव आदि के मंदिर। इसके ठीक बगल में सुजाता टेम्पल है। तो इस मंदिर के बारे में डिटेल से अब जानते हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ढूंगेश्वरी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के तलहटी में प्रागबोधि गुफा है। उस गुफा में सिद्धार्थ बिना अन्न जल के 6 वर्षों तक घोर साधना किए। भोजन न मिलने के कारण उनका शरीर कंकाल का रूप धारण कर लिया, फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उद्विग्न होकर इस गांव सेनानी ग्राम में पहुँचे, और यहाँ एक बट वृक्ष है इसी मंदिर में, और इसी बट वृक्ष के नीचे 7 वर्षों तक घोर तपस्या किए। एक दिन सुजाता वहाँ पर से गुजर रही थी तो सिद्धार्थ के कंकाल शरीर पर उनका नज़र पड़ा और वह विचलित हो गए। तभी वो खीर लेकर के आई और सिद्धार्थ से बोली खाने के लिए। सिद्धार्थ हैं जो मना कर दिए खाने से। तब सुजाता बोली बिना शरीर के ज्ञान का प्रसार आप किस प्रकार कर पाएंगे। तब भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग का पता चला
और वह सोचें कि अगर बीना के तार को ज़्यादा कस दें तो टूट जाएगा और इस प्रकार से सिद्धार्थ मध्यम मार्ग को खोज निकालें और सुजाता खीर खिलाकर सिद्धार्थ का जान बचा पाएं।